हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे मोहब्बत इसलिए करो अल्लाह के खातिर। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत इसलिए करो कि अल्लाह ताला आपको नियामतें देता है। जितने भी नियामतें हैं, जो कुछ भी है, ये किसने दी है? अल्लाह पाक ने दी है। जितनी भी नियामतें, ये ज़मीन, ये आसमान, ये कायनात की जो चीज़ें, सब किसने दी है? अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। वो सारी मुनअम नियामतें देने वाला वो रब करीम है। तो जिसने इतनी नियामतें दी है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब करीम से मोहब्बत करो इसलिए कि वो मुनअम नियामतें देता है, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह ताला की खातिर। मिश्कात शरीफ की हदीस है, मुझसे मोहब्बत करो हुजूर अलैहिस्सलाम, मिश्कात शरीफ की हदीस है, अल्लाह ताला की खातिर कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ, और अल्लाह से मोहब्बत रब करीम से कि वो नियामतें देता है। जितनी भी नियामतें उसने दी है, और उससे मोहब्बत करे, वो खालिक है, वो मालिक है, वो करीम है, वो रज़ाक है, वो हय है, वो कयूम है, वो कदीर है, वो सब सारी की सारे सिफतों का मालिक, हर चीज़ अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में है। जिसको चाहे वो दे, जिसको चाहे उसको रोक दे। और अल्लाह ताला फरमाता है मैं जो चाहूँ, पूरी कायनात एक तरफ हो जाए, कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना। जो मैं अता करूँ, मैं अता करने वाला कौन है? सब बोले कि अल्लाह तबारक व ताला। हर चीज़ उसके इख्तियार पे, हर चीज़ कायनात पूरी उसके आगे मजबूर है। अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। रब सही फरमाया आप सब फकीर हो, मेरे तरफ आप, मैं रब गनी हूँ। और अल्लाह ताला फरमाता आप फकीर हो, हम सब अल्लाह ताला के दरबार के फकीर हैं। जाग रहे हो? तो हुजूर ने फरमाया रब से मोहब्बत करो कि वो नियामतें देता है। मिश्कात शरीफ है, मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह ताला के खातिर कि मैं अल्लाह पाक का हबीब हूँ, अल्लाह ताला का महबूब हूँ, अल्लाह ताला का नबी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी औलाद से मोहब्बत करो मेरी खातिर। मिश्कात शरीफ की हदीस। मगर अफसोस ये है कि इस दौर में ये हदीसें बिल्कुल, जो हुजूर की हदीसें, हर शख्स वो अपनी काम की हदीसें सुनाता है, बाकी जिसको उसको मज़ा नहीं आता वो हदीसें सारे की सारे लोगों तक नहीं पहुंचती। काश अल्लाह हमें इस ख़यानत से बचाए, जो भी सरकार की हदीसें वो लोगों तक पहुंचाए। जाग रहे हो? और लोगों से डर से कभी ये ना कि हुजूर की हदीस सुनाएंगे फ़लाँ लोग नाराज़ हो गए, फ़लाँ ये, ऐसे किसी की नाराज़गी को नहीं देखना है, सिर्फ़ अल्लाह और उसके हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को देखना है।